सोशल मीडिया के इस दौर में कौन कब और किस लिए वायरल हो जाए कोई नहीं जानता, लेकिन ये भी सच है कि जो जितनी जल्दी वायरल होकर अर्श तक पहुंचता है उतनी ही जल्दी फर्श पर गिरता है। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही हस्तियों के बारे में बात करेंगे, आखिर क्यों और कैसे ये वायरल हुए और क्यों फर्श पर गिर पड़े। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। वेस्ट बंगाल के रानाघाट रेलवे स्टेशन पर एक महिला लता मंगेशकर का गाना एक प्यार का नगमा गा रही थी। आसपास मौजूद लोग उस गाने का लुत्फ उठा रहे थे। उन्हीं में से मौजूद एक शख्स ने उस महिला का गाना गाते हुए वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया और वो महिला रातों रात स्टार बन गई। घर घर गली गली उसके चर्चे होने लगे। उस महिला का नाम था रानू मंडल। रेलवे स्टेशन पर गाना गाने वाली एक साधारण सी महिला ने यह साबित कर दिया था कि टैलेंट ज्यादा समय तक अंधेरे में नहीं रखा जा सकता। बॉलीवुड के टॉप म्यूजिक कंपोजर हिमेश रेशमिया ने उनसे गाना गवाने का फैसला किया तो लगा कि अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता। उनका गाना तेरी मेरी कहानी रिलीज होते ही लोगों की जुबां पे चढ़ गया। इसके बाद खबरें आई कि उन्हें एआर रहमान से गाने का ऑफर भी मिला है, स्टेज शो के ऑफर भी मिलने लगे। सफलता मिलना आसान हो सकता है, लेकिन सफलता को संभालना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। यही रानू मंडल मात खा गई। सफलता मिलते ही घमंड उनके सिर पर सवार हो गया। वो खुद को सबसे बड़ी सिंगर मानने लगी। यहाँ तक कि एक बार तो लता दीदी तक का अपमान कर दिया था। इंटरव्यू लेने वाले से बदबू आने और दूर बैठने की बात हो या फिर सेल्फी लेने के लिए उनके पास आने वाली महिला को डोंट टच कहना हो, वो ज्यादातर गलत वजहों से ही चर्चा में रहीं। पब्लिक और मीडिया के साथ उनके एटीट्यूड के चर्चे आम हो गए। इसका नतीजा ये हुआ कि इंडस्ट्री के लोग ही उनसे कटने लगे और फिर उन्हें काम मिलना बंद हो गया। अब आज वो किस हाल में है कोई नहीं जानता और जिस तरह के घमंड का सार्वजनिक प्रदर्शन उन्होंने किया उसके बाद कोई उनके बारे में जानना भी नहीं चाहता। वेस्ट बंगाल के रहने वाले भुवन रोजी रोटी के जुगाड़ में रोज अपनी मोटरसाइकिल से गांव-गांव जाते और पुराने सामान के बदले मूंगफली बेचा करते। वो लोगों को आकर्षित करने के लिए एक गाना भी गाया करते जिसे उन्होंने खुद ही लिखा भी था। हुआ यूं कि एक दिन एक आदमी उनके पास आया और गाते हुए उनका वीडियो बना लिया। इसके बाद किसी ने बीट्स डालकर उसे रिमिक्स कर दिया। देखते ही देखते गाना वायरल हो गया और भुवन वाद्यकार सेलिब्रिटी बन गए। इसी गाने का एक रिमिक्स वर्जन भी रिलीज हुआ जो खूब पॉपुलर हुआ। इस वीडियो में खुद भुवन बदले हुए अंदाज में दिखाई दिए। इस गाने पर खूब रील्स बनी और वो भी वायरल हुई। हालांकि जल्दी ही भुवन एक साजिश का शिकार हो गए। उनसे धोखे से किसी ने गाने के कॉपीराइट्स ले लिए और उसके बाद वो खुद इस गाने को गाने के लिए मोहताज हो गए। उनकी माली हालत भी बिगड़ गई। हालांकि अभी कुछ महीने पहले ही उनके इसी गाने का पंजाबी रिमिक्स वर्जन रिलीज हुआ जिसमें भुवन फिर से दिखाई दिए, लेकिन ये सच है कि भुवन बस एक ही गाने तक सीमित होकर रह गए। प्रिया यानी विंक गर्ल, उन्होंने आग क्या मारी, सारी दुनिया ही उनकी दीवानी हो गई। फिल्म ओरु अदार लव का एक छोटा सा सीन साल 2019 में वायरल हो गया था जिसमें प्रिया आंख मारते हुए दिख रही थी। उनका ये अंदाज लोगों का दिल लूट ले गया। आज भी इस सीन का इस्तेमाल मीम्स में खूब होता है। हालांकि इस सीन के वायरल होने के बाद उनके पास फिल्मों के ऑफर्स आने शुरू हो गए। अभी कई मलयालम और तेलुगु फिल्मों में काम किया और पिछले ही साल यारिया 2 के जरिए बॉलीवुड में भी कदम रख दिए हैं। लेकिन विवादों से वो भी दूर नहीं रह सकी थी और विवाद भी उसी सीन के लिए हुआ था जिसके चलते वो लाइमलाइट में आई थी। असल में एक इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि फिल्म ओरु अदार लव में आंख मारने वाला सीन उन्हीं का आइडिया था, लेकिन प्रिया के इस दावे पर खुद फिल्म के डायरेक्टर ओमर लुलू भड़क गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रिया का न केवल मजाक बनाया बल्कि उन्हें याददाश्त तेज करने वाली एक टॉनिक भी सजेस्ट कर दी। इस दावे पर प्रिया सोशल मीडिया पर भी ट्रोल हो गईं। इसकी वजह यह थी कि 5 साल पहले खुद प्रिया ने एक इंटरव्यू में बताया था कि विंक सीन का आइडिया फिल्म के डायरेक्टर का था। हालांकि प्रिया उन चंद लोगों में शुमार है जो वायरल होने के बाद भी अपना वजूद बनाए रखने में कामयाब रही हैं।
सुकमा के रहने वाले सहदेव देदो का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो क्लास में बचपन का प्यार गाते हुए दिख रहे थे। देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो गया और इस गाने पर रील्स की बाढ़ आ गई और सहदेव रातों रात नेशनल सेंसेशन बन बैठे। इस वीडियो के पोस्ट होने के 24 घंटे के अंदर इसके 20 मिलियन व्यूज हो चुके थे। तमाम बॉलीवुड स्टार्स भी इस पर रील्स में झूमते नजर आए। सहदेव रैपर बादशाह के साथ भी इसी गाने के वीडियो में नजर आए थे, हालांकि उसके बाद वो एकदम से गायब हो गए। उनकी एक खबर साल 2021 में आई, जब वो एक एक्सीडेंट का शिकार हो गए। अच्छी बात यह रही कि वो जल्दी ही रिकवर भी हो गए, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि वो वन वीडियो वंडर ही साबित हुए। यूं तो अंजलि अरोड़ा इंस्टा पर रील्स 2021 से ही बनाया करती थी, लेकिन साल 2022 में कच्चा बादाम पर बनाई उनकी रील्स इस कदर वायरल हुई कि वो शोहरत की बुलंदियों तक जा पहुंची। बाद में वो टीवी शो लॉकअप में भी नजर आईं, लेकिन इस दौरान उनका एक एमएमएस लीक हो गया, जिसे लेकर वो विवादों में घिर गईं। हालांकि बाद में उन्होंने साफ किया कि उस वीडियो में वो नहीं थी, बल्कि वो डीप फेक वीडियो था। हालांकि वो वायरल होने के बाद से लगातार एक्टिव है। आपको ज्यादातर वायरल स्टार्स के अर्श से फर्श तक पहुंचने के पीछे की क्या वजह लगती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।